हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं खजूर के लड्डू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड चेक आउट द रेसिपी। खजूर रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितना घी, और उसमें हम ऐड करेंगे सारे चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स जैसे कि आलमंड्स, कैशूनट्स, पिस्ताकियोस, और उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितना खसखस। और इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम घी में रोस्ट कर लेंगे, और रोस्ट करने के बाद सिर्फ इसे हम 15 से 20 सेकंड तक रोस्ट करेंगे और फिर इसे बाहर निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून जितना घी और ऐड करेंगे, और उसमें हम 1 बोल जितने खजूर ऐड करेंगे जो कि सीडलेस खजूर है, और सारे खजूर को हम इसमें अच्छे से चला लेंगे। और धीरे धीरे जैसे ही कढ़ाई गर्म होती जाएगी वैसे खजूर सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे हम स्पैचुला की मदद से थोड़ा थोड़ा क्रश भी करते जाएंगे, और उसमें ऊपर से ऐड कर देंगे खजूर सॉफ्ट होने के बाद उसमें ऊपर से ऐड कर देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसे स्टोव ऑफ करके एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। अब एक प्लेट में हम लेंगे थोड़ा सा ड्राई ग्रेटेड कोकोनट पाउडर, और इस खजूर के मिक्सचर से हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। और लड्डू बनाने के बाद हम इसे ड्राई कोकोनट पाउडर से कोट कर लेंगे। सारे ड्राई नट्स और खजूर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, और ऊपर से कोकोनट के कोटिंग से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे, सारे लड्डू को हम कोकोनट से कोट कर लेंगे। तो बनके रेडी है हमारे खजूर के लड्डू, जो कि बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आई होप यू फाउंड दिस रेसिपी इंटरेस्टिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।